फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बचे हुए रोटी से ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो इस तरह से भी बढ़िया सा बनता है। तो ये मैंने दो रोटी इस तरह से करके रखी, ये एक है, इसे भी मैं कर लेती हूँ। अगर आपकी रोटी सॉफ्ट होगी तो इस तरह से ये तुरंत टूट जाएगी। ये देखिए, आपको जैसे भी बनाना है या फिर मिक्सर में भी कर सकते हो, लेकिन सॉफ्ट रोटी होगी तो ये तुरंत बन जाएगी। ये देखिए, अभी हम चलते हैं गैस की तरफ, बढ़िया सी रेसिपी बनेगी। अभी इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। अभी इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जितनी मूंगफली। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, क्रंची होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। एकदम बढ़िया सी टेस्ट आएगी। अभी मूंगफली हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अभी ये जो ऑयल है ज़्यादा है, तो मैं इसे ऑयल भी थोड़ा निकाल लेती हूँ। अभी इस तरह से देखिए, ये मैंने ऑयल निकाल लिया है। मीन्स हमने 1 टेबल स्पून जितना ही ऑयल लिया है, पर हमारे मूंगफली रोस्ट नहीं होती इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था। अभी इसमें डालते हैं 1/4 राई, 1/4 जीरा, 1 प्याज कटा हुआ छोटा, इसे मैंने लंबे लंबे काटे हैं। देखिए, इस तरह से हमने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। ये देखिए ब्राउन हो गया है। तभी इसी समय हम एक छोटा कटा हुआ टमाटर डालते हैं। इसे भी हम चला लेते हैं। टमाटर को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, वैसे ही थोड़ा क्रंची टेस्ट करने चाहिए। प्याज हमें ब्राउन करने थे तो वो कर लिए है, तो हमें जो मूंगफली ली है वो हम डाल देते हैं, थोड़ी रखते हैं ज़्यादा इसके लिए, और इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं चुटकी भर हींग, स्वादानुसार नमक, गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। हल्दी 1/4 टीस्पून जितनी, और लाल मिर्च पाउडर, वो भी मैंने थोड़ा ही लिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। अभी हम इसमें रोटी डाल देते हैं, इसे हम चला लेते हैं। इसमें आप धनिया डाल सकते हो, अनारदाना, आलू बॉईल करके भी डाल सकते हो, तो भी बढ़िया सी टेस्ट आएगी। अभी देखिए, ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो हमने जो तेल गरम किया था ना वही थोड़ा सा हम डाल देते हैं। इसे हम चला लेते हैं। मीन्स हमने 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल यूज़ किया है। अब इसे हम होने देते हैं। इसमें थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे, ज़्यादा नहीं, और वापस इसे हम चला लेंगे। धनिया होगा, कड़ी पत्ता होगा तो भी आप डाल सकते हो। अभी इसे कवर कर दें। इसमें थोड़ी शक्कर डाल देते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। बस इसे 1/2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अभी गैस को करते हैं बंद और इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसे करते हैं सर्व। इसे ना ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे करना है, ऊपर तक।
इसे मैंने डोंगर जैसा बनाना है, तो इस तरह से मैं इसे ऊपर इस तरह से ऊपर करूँगी। ये देखिए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने जैसे पहाड़ होता है ना वैसे मैंने बना दिया है। इस तरह से हमें बनाना है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, नारियल का बोरा डालेंगे इस तरह। ये दिखने में बढ़िया लगेगा और खाने में भी ज़बरदस्त लगेगा। साथ में हम डालते हैं टोमेटो सॉस। इसके साथ हम डाल रहे हैं दही। आप जैसे भी दूध देना चाहते हो वैसे आप दे सकते हो, एकदम बढ़िया सा आएगा ये। इसके साथ हम डाल रहे हैं सेव। मूंगफली हमने जो बचा के रखी थी ना, ये देखिए एकदम जबरदस्त प्यारा सा हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। सिर्फ बचे हुए रोटी से हमने बनाया है। इसका लुक देखिए, टेस्ट में ये लाजवाब है। तो ये देखिए वाह क्या बात है। और इसमें डाल रहे हैं प्यारा सा चाट मसाला। ये देखिए एकदम मस्त। तो देखो हमने सिर्फ बची हुई रोटी से इतनी बढ़िया से नाश्ता बनाया है। देखिए कितना प्यारा है। आप भी इस तरह से बना के देखिए, एकदम बढ़िया से टेस्ट आएगी, गजब का लगेगा ये। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसी से आप बना सकते हो। इसमें आप ग्रीन चटनी डाल सकते हो, मीठी चटनी डाल सकते हो, जो भी आपको चॉइस है वो आप डाल सकते हो। ये देखिए कोई कह नहीं पाएगा कि सिर्फ हमने बचे हुए रोटी से बनाया है। तो इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बढ़िया से इस तरह से बनाएंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए वाह क्या बात है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।